दुआ कंदा बाबा अला कदो मदीने वे दी मौला काजी बेड़ा ही पार हां नारा हैदरी नारा हैदरी या अली अली हैदर कंदा कंदा बेरु तो मुंह ऊपर आले उन में इधर नहीं आए थे, हम लोग आए थे ना, नहीं इधर रुकना था, अच्छा यहाँ पे ठंडा नहीं, हमने स्टे ही नहीं किया, सीधे अंदर बाहर पे गए थे, गर्मी से मर गए हो। हाँ ना रहे हो साईं मुंह हाथ में धोगे तो थोड़ा जहा सुकून आ गया भाई दौला पे कल शनि करे ने बाल बार थोक लाल बाग का जरा हाल हवाल है मोटा मोटा वो ही दोस्त मेरा वादा कुछ शेयर करें सा दसें जरा सा इतना हूँ मैं तकरीबन लोधरा बहावलपुर अंदरूने पंजाब के जोड़े भी लोग अक्सर तकरीबन लोगों नाल मुलाकात कही सरेकी लोगों नाल लोग मस्जिद डाल है या कारा की शक्ल लोग इतना आए हुए हैं
तकरीबन पूरा साल ही था ज़ायरीन का सिलसिला चलता ही चलता रहा। लोग आते हैं अकीदे वाले लोग दूर दराज की तरफ आने अपने मन तमन्नों के दुआए अल्लाह पाक पाक भी गिना रहे था। नेक्स्ट टाइम हम पहुंचे हैं लाल बाग के नाम तो मशहूर है साई लाल शहबाज कलंदर दा, यानी कि लाल बाग के नाम से जगह मशहूर है। बहुत ही पुरसकून जगह इस पहाड़ी इलाके या पहाड़ी एरिया दे विच इतनी खूबसूरत और ठंडी जगह कि जितने मुसाफिर लोग आके आराम करें दन, सकून करें दन, रेस्ट करें दन, ते नाल उन्हां दे बच्चे होंदन, खाना पीना वादा घाटा इतना, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के हाल वगैरह भी बनाए गए, यानी कि सकून करने वास्ते सकून वाली जगह थे। देखो लोग इतना देखा सकून ना रेस्ट करें देता है। मेरी बैक साइड लोग नजर आना पड़ा सी दरख्त देखो और सकून जगह, यानी कि इतना सकून है, ठंडी हवा है, पानी छानी अवेलेबल है, मस्जिद का एरिया मौजूद है। ठीक है, मजीद में सारा था गुजराना घूम करके दिखा ना भाई। ये लोग जड़े दूर दराज तो आने ना, दूर दराज तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया के बचू, पंजाब तू, खैबर पख्तूनख्वा तू, बलोचिस्तान तू, या सिंध के अंदरूनी हिस्सों के बचू लोग आने इतना, तो यानी कि दरबार तो हाजरी दे के या पहले भी आके इतना, यानी कि तो सुकून करें, रेस्ट करें, वजू करें, नमाज पढ़ते, तो उस तो अलावा भी थोड़ा जहाँ रेस्ट करके तो बाद अपना। गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, शिद्दत की गर्मी है। गर्मी थोड़ी वजू करके ना मुंह देखो पानी के छट्टे मार के ना, गर्मी बहुत ज्यादा है, शिद्दत की गर्मी है। देखो इंतजाम सारा इंतजाम किया गया। ठीक है, बहुत सकून, मजेदार माहौल, ठीक हो गया। मजीद बात जी मतलब लाल बाग के हवाले जी कहानी।